guys, welcome back to my channel. So first, मैंने इस story में दोनों के introductions में दिया था. First आपको वो दे देती हूँ. तो first मैं देती हूँ आपको यूगी का, जिसके parents जब वो छोटी age में था तो उसके parents की death हो गई थी. वो अपने parents से वैसे भी ज़्यादा attached था नहीं ना, उसको पता था. वो बहुत छोटी है थी, 1 ईयर का था, तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी. उसके बाद से वो अपने अंकल के साथ रहता था, बट अंकल ना एक माफिया थे, तो उन्होंने अपना सारा बिजनेस जुमिन योंगी के हवाले किया. तो उसके कुछ टाइम बाद ना उसके उनकी भी डेथ हो चुकी थी. और तकरीबन 8 साल से सब कुछ योंगी ही हैंडल करता आ रहा है. वो बहुत ज्यादा हार्टलेस पर्सन है. ऐसा नहीं कि उसको कोई है नहीं, उसको पसंद नहीं है लोग. उसको बस ये कि लोग जो उसके साथ हो ना, जिनको वो चाहे सिर्फ वो उनके साथ हो. उसके बाद जो योंगी का एक बेस्ट फ्रेंड था कॉलेज टाइम से, उसका बेस्ट फ्रेंड था हाई स्कूल टाइम से भी, और तो वही अब उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब कुछ वही है. मीन सबसे एक यूंगी ना सिर्फ एक पर्सन पे बिलीव करता है और ट्रस्ट करता है फुल, वो जेहो. और जेहो अपना उससे थ्रेट है, बट अगर वो अपने जॉब के टाइम पे हो ना, मीन्स यूंगी ने उसको हायर किया हुआ है, तो वहां पे ना वो बिल्कुल ना ऐसे बॉसी टाइप वाला बिहेवियर होता है दोनों का. हाँ, बॉस और नाम इस तरह वाला तो होता है, एम्प्लॉय वाला टाइप टाइप करके इस तरह के. बट जब वो अकेले होते हैं, मीन्स ये बॉयस बॉस वगैरह ये चीज नहीं होती, तो दोनों ना बहुत ज्यादा ना हंसते हैं. जब मानता है कि हाँ सिर्फ एक वो खुद है जिसने यूंगी का स्माइल देखा, उसके लिए आप कोई नहीं, और जो यूंगी बहुत कम स्माइल करता है, ये भी जो के लिए भी बहुत ज्यादा रेयर है उसकी स्माइल देखना. तो ये हो गई यूंगी के साइड की स्टोरी. अब आपको मैं जिमिन के साइड बता दू. जिमिन जो बहुत ज्यादा फ्लैटिंग फ्लैटी है, बहुत ज्यादा फ्लैटी है, ओवन के प्लेबॉय टाइप है, वो काफी गर्ल्स के साथ सो भी चुका है. उसको ना ब्यूटी चाहिए, उसको ना बस उसका है कि मनी ब्यूटी बस. ओके, ये ट्रू लव उसको पता है कि ना ट्रू लव में ना पेन होता है, हम मोस्टली होता है कि ट्रू लव मिलेगा नहीं, बट जिमिन को ना फिर भी है कि अगर तो वो मिल गया तो वो अपनी ये हरकतें छोड़ देगा, वरना तो वो ऐसे ही रहेगा. और वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स और अपने ह्यूंग अपने मदर अपने फैमिली से फुल बहुत ज्यादा प्यार करता है. अपने मदर फादर से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसकी मदर बहुत ज्यादा स्वीट है, काइंड है, बट जो उसके फादर है वो थोड़े से थोड़े स्ट्रिक्ट है, इसी वजह से वो जेल गया था. तो और इसके अलावा उसके बाद जो बहुत ज्यादा उसको पैम्पर करते वो है उसके ह्यूंग, जो नामजून जो उसका ह्यूंग है, बड़ा भाई है, और जो उसका ब्रदर इन लॉ है जी, वो दोनों उसको बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं उसके मदर फादर के बाद. फादर ज्यादा नहीं करते, थोड़े स्ट्रिक्ट है जिमिन के ना बिहेवियर की वजह से, बट जो नामजून को ना उसके फादर बहुत ज्यादा पसंद करते, बिकॉज जो नामजून है वो एक आना जेंटलमैन है, जैसे उसके फादर को चाहिए थे, बट जिमिन बिल्कुल नामजून का ऑपोजिट है. इस वजह से ना जो उसके फादर है वो थोड़े से ना स्ट्रिक्ट है उसके तरफ. और उसके बाद फिर आते हैं जिमिन के फ्रेंड्स देखो, जो आपस में ना वो एंगेज्ड है और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. और जिमिन के ना बिल्कुल क्राइम पार्टनर्स टाइप है. मीन्स जिस दिन जिमिन को लेके जाया गया था, उसको जेल लेके जाया गया था, वहां ना ऑफिसर्स थे, वो दोनों ना साइड पे मेकआउट कर रहे थे, वो एवन के वो भी साथ है,
वो साइड पे खुद मेकआउट कर रहे थे, ड्रंक थे वो भी, बट इतना था जब उन्होंने देखा वहां जिमी नहीं है तो वो खुद भी शॉक हो गए थे। उसके बाद वो थोड़ा जब उस साइड से स्ट्रीट से बाहर आए थे तो उन्होंने ना जिमी को ना पुलिस कार में जाते हुए देखा था, तो उन्होंने ना इन्फॉर्म किया था और खुद भी गए थे जिमी के पीछे। पहले वो उन्होंने सोचा था कि वो जिमी के पास जाएंगे और किसी को पता लगने बगैर ही ना उसको लेके आ जाएंगे, बट वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो नहीं जाने दे रहे थे। जब उनको पता चला था कि ये नहीं फ्रेंड्स है तो तब भी नहीं जाने देते और सीधा उसके ना फादर को कॉन्टेक्ट किया था। तो इस तरह करके ना ये स्टोरी है अपनी, अब हम आगे का देखते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ना जो जिमिन है ना वो 2 डेज और बात का सीन है। यहाँ पे ना 4 to 5 days हो गया उनको ना जेल से आए हुए। तो जिमिन को देखते जो अपने रूम में बैठा होता है बहुत कुछ ना डीपली सोच रहा था। तो उस टाइम में ना जिन चौथी बार नॉक करता तो फिर ना जो जिमिन का ना ध्यान जाता है जिन की तरफ, वो कहते हैं आप ये बोलता है, फिर ना बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाते हैं। तो फिर ना जो जिन उसकी तरफ कंसर्न लोग से देखते हैं वो कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, मैंने तुम्हें देखा जब से तुम जेल से आए तब से तुम बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे हो, तुम अपने सेंसेस में नहीं हो टोटली। मीन्स मैं इतनी देर से यहाँ पर खटका रहा हूँ तुम्हें नहीं पता चला क्या हुआ, मुझे तुम चेंज लग रहे हो काफी ज्यादा ना, तुम्हें कोई चीज तो परेशान कर रही है। तो फिर ना जो वो ना जब मैंने गहरी सांस लेते हूँ बस कुछ नहीं, मुझे बस ऐसा फील हो रहा है जब से मैं आया हूँ ना मुझे इस तरह का फील हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, तो बस इस वजह से ना मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो फिर ना जो जिन्हें उसकी तरफ कुछ देर तक देखते और स्माइल करते हुए कि ना तुम जेल में काफी टाइम रहे ना, तो वहाँ सारे ना वो थे लोग थे तो वो तुम्हें देखते रहे होंगे, तो तुम्हें शायद इस वजह से थोड़ा सा ना फील हो रहा होगा, इस चीज को छोड़ो। हाँ मैं बताने आया था नीचे ना देखो गया है वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो फिर कहते सची वो यहाँ है, ओ थैंक यू सो मच, मैं कब से उनको वेट कर रहा था बट उनके आने का वेट कर रहा था, मैंने उनको बुलाया था इतनी देर से बात आए बोलते हैं। फिर ना वहां से चले जाते हैं तो फिर ना जिन स्माइल करते हैं, उसके बाद वो भी नीचे आ जाते हैं। फिर ना चारों बहुत सारी बातें करने लग, पांचों बातें करने लगते हैं। मीन्स वो ना नामजून के भी फ्रेंड्स देते को, मीन्स चारों पांचों का ना ग्रुप सर्कल था। जब वो ऐसे साथ बैठते थे ना तो उनके बीच में ना कोई ब्रदर ये इस तरह का ना रिलेशनशिप नहीं था कि ना वो तो वो ना बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह खुल के बात करते थे। नामजून को भी ना जिन के बारे में सब कुछ पता था, मीन्स वो ना बिल्कुल एक बेबी की तरह था जिमिन तो उनके लिए। तो इस तरह करके ना ये वाला पार्ट यहाँ पे एंड, टाटा बाय बाय।